Hello friends, this is Jyotsna. Welcome to English English. हम अपनी daily life में how are you किसी से मिलने पे या just bye या फिर I don't know अगर मुझे नहीं पता या फिर ना कहने के लिए I can't do बस ऐसे ही phrases use करते हैं या only thanks thanks बोलने के लिए only thanks. तो आज का जो video है वो है कि आप इन phrases को किन किन ढंग से इंग्लिश में बोल सकते हो, कितने तरीकों से और इम्प्रेसिवली, ताकि आपके सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए और आप भी अपने बोरिंग डेली रूटीन फ्रेजेस को चेंज कर सको. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. किसी से मिलने पर हम सबसे पहले क्या कहते हैं? हेलो, आप कैसे हैं? तो उसके लिए हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हाउ आर यू. और आप पूछ सकते हो How have you been? How have you been? जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं. उसके बाद हम कई बार बोलते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. तो उसके लिए हम बोलेंगे How nice to see you. How nice to see you. या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो I'm glad to see you. I'm glad to see you. किसी से मिलने पर पहले हम पूछते हैं आप कैसे हैं, फिर हम पूछते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, फिर हम कई बार बोलते हैं बहुत दिनों बाद मिले. तो बहुत दिनों बाद मिले को आप कैसे बोल सकते हो? दो तरह से बोल सकते हो. लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब काफी टाइम हो गया मिले ही नहीं, या बहुत दिनों बाद मिले, लॉन्ग टाइम नो सी. और इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट. इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट. किसी से मिलने पर हम क्या कहते हैं? क्या चल रहा है या कैसा चल रहा है? तो उसे हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं? हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग. और आप इसे ऐसे ही पूछ सकते हो हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स. और आप इसे पूछ सकते हो व्हाट्स अप. ये तो आजकल की जनरेशन का तकिया कलाम है, व्हाट्स अप. वो तो सेंटेंसेस हो गए कि आप किसी से मिले और आपने उस बंदे से उसका हाल चाल पूछा. अगर आपसे किसी ने आपका हाल चाल पूछा है और आपको आंसर करना है तो आप कैसे करोगे? आपसे जनरली लोग पूछते हैं कैसे हैं, तो आप हम ज्यादातर बोलते हैं कि मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो. तो इनको आप तीन तरीकों से सेंटेंस को बोल सकते हो. वेरी वेल, थैंक यू, एंड यू. मैं अच्छा हूं, धन्यवाद, आप कैसे हैं? या फिर आप बोल सकते हो ग्रेट, थैंक्स. How about you? I'm very good. Means मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? The usual. The usual का meaning है कि जो रूटीन आपकी चल रही है तो आपने बोल दिया the usual. आपको कोई बाहर मिल गया, अब आपने उसको bye बोलना है, तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा फिर मिलेंगे. तो उसे बोलने का तरीका है okay, see you again. या फिर okay, we'll meet again. ओके, वी विल मीट अगेन. और या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो सी यू लेटर. और हम क्या बोल सकते हैं जब हमने किसी को बाय बोलनी है? तो हम बोलते हैं कि मिलते रहना, तो स्टे इन टच. मिलते रहना, स्टे इन टच. हम यूजली ये उन लोगों के लिए बोलते हैं जो कि हमें बहुत ही कम दिखाई देते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं लोग. अब कई बार हमें बहुत जल्दी होती है, हमें कोई बंदा मिल गया और हमें उसको बोलना था मुझे अभी जाना है, तो हम बोलेंगे I've got to get going. I've got to get going. आपसे मिलकर अच्छा लगा. It was a pleasure meeting you. It was a pleasure meeting you. मैंने पहले भी ये सेंटेंसेस यूज किए थे कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. उसमें और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है कि उसमें मैंने बोला था कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. जब हम उस पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि आई एम ग्लैड टू सी यू, हम हाउ नाइस टू सी यू. बट जब हम उसको बेट करने वाले हैं बाय, तो हमने बोला कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो वो पास्ट में चला गया, तो हमने बोला इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू. अगर कोई कुछ पूछता है और आपको नहीं पता होता तो आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता. तो मुझे नहीं पता को हम ज्यादातर आई डोंट नो, जो कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो, वो तो आप बोलते ही हो, यूजली बोलते हो. उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? आई एम अफ्रेड, आई हैव नो आइडिया.
और क्या बोल सकते हो? आई एम सॉरी, कांट हेल्प यू डियर. आई एम सॉरी, कांट हेल्प यू डियर. और बीट्स मी, बीट्स मी का मतलब भी मुझे नहीं पता होता है. कई बार क्या होता है कि आपने किसी से कुछ पूछा या कुछ आपको कोई बता रहा है, बट वो थोड़ा लाउडली नहीं बोल रहा, स्लोली बोल रहा है, या आपको समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, तो आप बोलते हो क्या आप दोबारा बताएंगे. तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कैसे बोल सकते हैं? या तो आप सिंपली बोलते हो कि एक्सक्यूज मी, और या आप बोल सकते हो सॉरी आई डिडंट गेट दैट. सॉरी आई डिडंट गेट दैट. और आप बोल सकते हो वुड यू माइंड स्पीकिंग अ लिटिल मोर स्लोली. वुड यू माइंड स्पीकिंग अ लिटिल मोर स्लोली, मतलब कि क्या आप धीरे बोल सकते हैं. इसके अलावा आप बोल सकते हो कुड यू रिपीट दैट प्लीज. कुड यू रिपीट दैट प्लीज. आपसे किसी काम के लिए पूछा या कोई चीज मांगी आपसे, और आपने ये बोलना होता है कि नहीं मैंने नहीं ये करना, ना कहने के लिए, तो हम ज्यादातर बोलते हैं नो आई विल नॉट डू या सॉरी. तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं? आई वॉन्ट बी एबल टू डू. आई वॉन्ट बी एबल टू डू, मतलब मैं ये नहीं कर सकता. आई एम सॉरी टू रिफ्यूज, माफी चाहता हूं मना करने के लिए. आई एम सॉरी टू रिफ्यूज. इट कांट बी अरेंज, इस चीज का प्रबंध नहीं हो सकता. इट कांट बी अरेंज. आई एम अवर्स टू दिस आइडिया. कई बार आपको कोई आइडिया किसी का पसंद नहीं आता, तो आप कहते हो कि मैं इसके विरोध में हूं. तो आई एम अवर्स टू दिस आइडिया. आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, मतलब कि मैं माफी मांगता हूं, मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो. अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से नो. या फिर आप बोल सकते हो आई वुड रादर यू डिडंट. आई वुड रादर यू डिडंट, मतलब मैं दे देता. अगर आपसे किसी ने कोई चीज मांगी है तो हम बोलते हैं कि मैं दे देता, पर आप अभी नहीं ले सकते, तो उसके लिए आई वुड रादर यू डिडंट. किसी का आभार व्यक्त करने के लिए, मींस किसी को थैंक्स कहने के लिए, थैंक यू तो आप बोलते ही हो. और हम क्या क्या बोल सकते हैं? थैंक्स अ मिलियन, थैंक्स अ लॉट. आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड. आई रियली अप्रिशिएट इट. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. आई एम मच ग्रेटफुल टू यू. आई कांट थैंक यू इनफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम अहेड. बाय बाय.